यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, जैसा आप देख ही चुके हैं थंबनेल में, वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडीज ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो केस स्टडीज जो सीबीएसई ने अपनी बुकलेट में दी हैं, वो टू केस स्टडीज हैं बेटा, उनको डिस्कस करेंगे हम आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट वन इज टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ ए टेम्पल ऑफ 30 मीटर्स। दिस इज द टेम्पल 30 मीटर हाई। ऑब्जर्व इट्स टॉप एट द एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा। दीज आर टू मैन, राइट? दिस पर्सन एट पोजिशन ए इज ऑब्जर्विंग अल्फा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दिस मैन इज ऑब्जर्विंग एंगल बीटा। ठीक है, क्लियर कट पिक्चर में दिख रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इज 40√3। दिस डिस्टेंस कंप्लीट, दिस डिस्टेंस इज 40√3 मीटर। And distance between the first person, that means A, and temple is 30√3 meter. Yes, this complete distance is 40√3 meter. Let us just write it with some other red. Okay. Udik five. Yes. ये जो लेंथ है बेटे, कंप्लीट लेंथ, ये 40√3 मीटर है, राइट? और इस पर्सन की ये टेम्पल से जो है ये 30√3 मीटर, ओके? ये आपको गिवन है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, एंड दिस हाइट ऑफ द टेम्पल इज 30 मीटर। ओके, आई होप आप फिगर समझ गए हैं बेटा। टेम्पल है जिसकी हाइट 30 मीटर है, वन साइड में वन पर्सन है, अनदर साइड में एक और पर्सन है बेटा। दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टेम्पल दे रखा है, इसका अल्फा और इसका बीटा। और आपको दे रखा है इस पर्सन का डिस्टेंस टेम्पल से 30√3 मीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज 40√3 मीटर के, इतना डाटा दे रखा है आपको। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें कुछ आंसर देने हैं बेटा, ओके? तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। यस, एंगल सी ए बी, आपको मैं फिगर दिखा दूं तो ये फिगर थी बेटे, एंगल सी, सी वॉज दिस पोजिशन, मैं रेड ही रखती हूं इसे फिगर में, सी ए, ठीक है, बी आपको लाइट दिख रहा होगा, आई एम गोइंग, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ठीक है। और हमने जो ऑब्जर्व किया था बेटे, ये हाइट 30 मीटर और ये कंप्लीट डिस्टेंस 40√3 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट पर्सन फ्रॉम टेम्पल 30√3 मीटर, ओके। ये रिमेनिंग क्या होगा बेटा, ये रिमेनिंग क्या होगा, ये भी हम अभी बता सकते हैं, 10√3 मीटर, राइट? ये 40√3 टोटल है, आप देख रहे हैं सिंपल, आपका 9-10 जैसी फिगर है आपकी, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। 40√3 कंप्लीट और ये 30√3 इतना, तो ये 10√3, ओके। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी मतलब अल्फा एंगल, ये एंगल बताना है आपने, इनमें से क्या होगा, देखो साइन इनवर्स है, तो आप फिगर ऑब्जर्व करें बेटा, फिगर ऑब्जर्व करें, साइन आप किससे, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं साइन अल्फा देखना चाहूँ, चेंज द कलर ऑफ माई पेन, साइन अल्फा की मैं बात करूं, साइन अल्फा यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओके, परपेंडिकुलर इज 30 मीटर, और आप हाइपोटेन्यूस निकालेंगे बेटा तो दैट इज नथिंग बट 30² + 30√3² पाइथागोरस लगा, राइट? तो दिस इज 30, यस डेफिनेटली मीटर, 30 डिवाइडेड बाय 900 प्लस दिस इज 2700 3600 30 सिंस 100 का स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेट किया 60, तो 30/60 दैट मीन्स 1/2। तो अल्फा क्या हो गया बेटे, सिंपल डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अल्फा विल बी साइन इनवर्स 1/2। देखिए कौन सी ऑप्शन है, यस बी इज द ऑप्शन ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आंसर इज
जब एमसीक्यू में है, बार बार कहती हूँ बेटे आपको प्रॉपर उसका आंसर लिखिए कौन सा नंबर है। ओके क्लियर, सिंपल टू गेट। नेक्स्ट, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी ही पूछा है बेटा, बट अब कॉस की टर्म में, कॉस की टर्म में। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं, हमने जो कैलकुलेट किया ये 30, ये हमने कैलकुलेट किया 60, इतना 30√3 है कंप्लीट। अभी चलिए कंप्लीट की नीड ही नहीं है, अभी जो हमें चाहिए बेटा हमें कॉस अल्फा देखना है। आपके ऑप्शन में कॉस की टर्म्स में है, कॉस अल्फा विल बी बेस अपॉन हॉटनेस एंड बेस इज 30√3, हॉटनेस इज 60। ओके, दोनों मीटर में है, यूनिट हमें पता है, दिस विल बी √3/2, दैट मीन्स अल्फा विल बी। अपनी डेफिनेशन जरूर ध्यान रख लीजिए बेटा, कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस ढंग से डिफाइंड है तो आप उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए ये हमने पिछले में यूज की, अभी हम बात कर रहे हैं cos x is equal to y, तो x will be cos inverse y, ठीक है, सिंपल वो यूज कर रहे हैं हम। cos अल्फा हमारा √3/2 आ गया, तो अल्फा विल बी cos इनवर्स √3/2। ओके, अब ऑप्शन देखिए सी, सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल टू गेट ना। नेक्स्ट, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू बीटा, अब फिगर रिकॉल कराऊ, ये बीटा एंगल था बेटा आपका, 10 की टर्म्स में कहा है, 10 क्या होता है बेटे, टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट बीटा अगर मैं बात कहूं तो दैट विल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, और बीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ बेटे, यही हाइट, दैट वॉज 30 मीटर। आई होप डाटा तो आपको भी अभी तक याद हो गया होगा, दिस वॉज 30 मीटर, और बेस, ये बेस हमने कैलकुलेट किया था बेटा 10√3, कंप्लीट 40√3 था, इतना 30√3, तो ये 10√3, दैट मीन्स वी विल गेट 30/10√3, दैट मीन्स 3/√3, दैट मीन्स √3। अब अगेन वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज कर लें, तो बीटा विल बी 10√3। सी द ऑप्शंस, यस सी इज द आंसर बेटा, सी इज द आंसर। आई होप बेटा देखो कितना सिंपल लग रहा है आपको, सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन यूज हो गया, तीन पार्ट्स हो भी चुके हमारे सिर्फ डेफिनेशन। एंगल ए बी सी इज, एंगल ए बी सी दिस एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आप ऑब्जर्व करें बेटा, पूरा डाटा मैं रेड से लिखूं एक बार आप इजिली देख पाए, ये 60 लेंथ है बेटा, ये 40√3 लेंथ है कंप्लीट। अगर कहीं हम इसको कैलकुलेट करें, ये आपका पाइथागोरस होल्ड करता हो तो ये एंगल निकल जाएगा इस, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकते हैं, बट हमारा गैस ये देख के लगता है हमें कि 90 डिग्री है, तो हम पहले पाइथागोरस भी सोच सकते हैं। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये लेंथ हमारी मंदिर की हाइट थी बेटे 30, ये 10√3। अगर बीसी लेंथ में कैलकुलेट करूं, बीसी लेंथ में कैलकुलेट करूं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, बीसी लेंथ विल बी 30² + 10√3 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, दैट मीन्स 900 + 300 1200 मीन्स 20√3, राइट, 20√3। अब चेक करिए बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज 3600 + अगेन दिस स्क्वायर इज 1200, दैट मीन्स 4800, दिस विल बी 40√3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी होल स्क्वायर, दैट मीन्स पाइथागोरस होल्ड्स, राइट, पाइथागोरस होल्ड्स, दैट मीन्स एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी दैट मीन्स एंगल ए बी सी,
एंगल बी ए बी सी इज पाई बाय टू, यहाँ पर रेडियंस में मेजर देर किए सबकी, दैट मीन सी इज आंसर, सी इज आंसर। बस आपका सबका अपना तरीका हो सकता है बेटा, आप इसको इस ट्राइंगल से इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे, इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए मैं एक बार क्विकली आपको बताऊं, वैसे जो हमने किया है वो बेस्ट वे से किया है, अदरवाइज आप इसको करें, हम इसको इसको हम मान लेते हैं थीटा वन, इसको हम मान लेते हैं थीटा टू। टेंजेंट थीटा वन आप देखोगे, ये अगर थीटा वन लिया, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट थीटा वन इज 10√3/30, दैट मीन्स 1/√3, दैट मीन्स थीटा वन विल बी 5/6। और टेंजेंट थीटा टू ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लेंथ बेटे हमारी 30√3 है, 30√3, और यहां पर हमारा बेस 30 ही है, ठीक है, दैट मीन्स √3, दैट मीन्स थीटा वन इज 5/3, तो हमारा जो एंगल आएगा बेटे इन दोनों का सम आएगा 5/6 + 5/3, we have calculated it many times, this is pi by 2, okay? तो ये भी यूज कर सकते थे, आपकी मेंटल कैलकुलेशन है, जैसे भी करो, एमसीक्यू है, हमें तो करेक्ट आंसर आपका लिखा हुआ चाहिए, राइट, कैलकुलेशन सबकी अपनी, ओके? और बार बार कहती हूँ बेटे, वो 3 आवर्स के प्रेशर में आप जो आपको एकदम स्ट्राइक करता है आप उसी से बेस्ट करें, बट प्रैक्टिस आपकी हमेशा उस 3 आवर्स में गाइड करती है बेटे आपको, इसलिए प्रैक्टिस कहते हैं जरूर रखिए। यस, डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x, डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटा, डोमेन कॉस इनवर्स x का, यस, डोमेन ये होता है, दैट मीन्स इन दोनों में से ऑप्शन हो सकती है, और रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बेटा, रेंज अदरवाइज डिफरेंट हो सकती है, इन दोनों में से कौन सी है, क्लोज इंटरवल, डायरेक्ट सी इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ओके, आंसर इज सी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये नहीं है हमेशा कि फिफ्थ ही छोड़ो, आप गौर से देखिए, बाकी में देखिए, जैसे अभी फोर्थ में ही हमें इतनी कैलकुलेशन करनी थी, आप बिल्कुल उसे स्किप करके ये दे सकते थे आंसर, ये टैक्टिक्स तो नेचुरली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके आएंगे बेटा, ठीक है, और आप ही वहां जज हैं आपने क्या लिखना है पेपर में, आपने क्या नहीं लिखना। चलिए, ये केस स्टडी वन हो गई बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। सेकेंड केस स्टडी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स ए होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ ए बिल्डिंग ऑन द रोड ऑफ बिजी मार्केट फॉर अवेयरनेस ऑन COVID-19 प्रोटोकॉल। राम, रॉबर्ट एंड रहीम आर द 3 इंजीनियर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ए इज कंसिडर्ड टू बी ए पर्सन व्यूइंग द होर्डिंग बोर्ड 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग स्टैंडिंग एट द एज ऑफ ए पाथवे नियर बाय। जस्ट लुक एट द फिगर, ए एक यहाँ पर इस पोजीशन पर पर्सन है बेटा, होर्डिंग बोर्ड जो 20 मीटर अवे है, इससे 20 मीटर अवे है, होर्डिंग बोर्ड देख रहा है ये पर्सन, राइट, और ये एज ऑफ ए पाथवे नियर बाय है। राम, रॉबर्ट एंड रहीम सजेस्टेड टू द फर्म टू प्लेस द होर्डिंग बोर्ड एट 3 डिफरेंट लोकेशंस, नेमली सी, डी एंड ए, 3 लोकेशंस पे दे। C is at the height of 10 meter from the ground level for the viewer A. ठीक है, A viewer यहां से देख रहा है अगर, तो ये height 10 meter पर है। For the viewer A, the angle of elevation of D, this D point, is double the angle of elevation of C. Yes. अगर C का angle of, मैं red color ही करती हूँ बेटा figure के लिए, ताकि आप अच्छे से जज कर पाए जो हम समझ रहे हैं वो लिख रहे हैं। ये अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है तो डी से ये एंगल डबल है सीधा 2α, ठीक है, और आगे क्या डाटा देखा, यस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ई इज दिस पॉइंट इज ट्रिपल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी, यस, दिस एंगल इज 3α, दिस एंगल इज 3α, ठीक है, दिस इज अल्फा, डी का 2α और ई का 3α फॉर द सेम व्यूअर, यहां पर जो खड़ा पर्सन देख रहा है उसी के लिए ये सी पॉइंट का एंगल अल्फा होगा, तो डी का इससे डबल हो जाएगा 2α और ई का इससे ट्रिपल हो जाएगा 3α, ओके, सिंपल टू अंडरस्टैंड। लुक एट द फिगर गिवन, ये फिगर है आपकी, एंड बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, ओके। चलिए अब क्या क्वेश्चन दे रखे हैं ये देखते हैं, आई होप बेटा फिगर आप बिल्कुल समझ चुके हैं। मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, यस,
CAB, ये एंगल जिसको हमने अल्फा माना था अभी, ठीक है, अल्फा माना था ना इस एंगल को, इसकी मेजर पूछी है हमसे, इसकी मेजर क्या होगी, और अभी हमने क्वेश्चन किए हैं उसी के बेस बेटा। यहाँ पर हमें जो दे रखा है बेटे 10 में, तो हम हमारे पास डायरेक्ट हिंट मिलता है, आपको 10 में दे रखा है तो आप 10 अल्फा कैलकुलेट करिए। 10 अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 10/20 दोनों मीटर में है, दैट मीन्स 1/2, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन यूज की, तो अल्फा विल बी 10 इनवर्स 1/2। सिंपल टू गेट, कौन सी ऑप्शन हो गई? बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मेजर ऑफ एंगल डीएबी, डीएबी, डीएबी क्या था बेटा? डीएबी ट्वाइस अल्फा था, सी ए बी अगर अल्फा है तो डी ए बी ट्वाइस अल्फा था, सी ए बी वॉज अल्फा, दिस वॉज ट्वाइस अल्फा। अब इसकी मेजर पूछी और देखिए 10 में ही है, तो दैट मीन्स हमने जो कैलकुलेट करना है दैट इज टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा, राइट, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा। अब यहाँ टेंजेंट 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है बेटे आपने कर रखा है 11th में, यहाँ ऐसा नहीं है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिजल्ट यूज हो रहा है। टेंजेंट 2 अल्फा क्या होता है? 2 tangent alpha upon 1 minus tangent square alpha, आपको याद होना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। और अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटे टेंजेंट अल्फा क्या आया था हमारा? 1/2, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया, बस उसे पुट करिए, 2 into 1/2, 1 minus 1/2 whole square, दैट मीन्स 1/3/4, दैट मीन्स 4/2। ओके, तो 2 अल्फा क्या आ गया बेटे? 10 inverse 4/3, हमने इसको 2 अल्फा माना था ना, बट एंगल डी ए बी है ये, 10 inverse 4/3, यस सी इज द ऑप्शन। सिंपल टू गेट ना, लेकिन कब? जब आपको फॉर्मूले याद है, आपको फॉर्मूले नहीं याद तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आपको 11 से कहते आ रही हूँ बेटे, बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे रखिए अपने, ठीक है। चलिए, मेजर ऑफ एंगल ई ए बी, यस थर्ड पॉइंट जो था ई, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है बेटे? और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने देखा था, जो उन्होंने रिलेशन दिया हमें, इसका एंगल ऑफ, ये अगर अल्फा था तो ये हमारा 3 अल्फा, 3 अल्फा, और 3 अल्फा दैट मीन्स हमें टेंजेंट 3 अल्फा एक तरीके से कैलकुलेट करना है। टेंजेंट 3 अल्फा का भी आपको रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, टेंजेंट 3 अल्फा इज 3 tangent alpha माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा अपॉन 1 minus 3 tangent square alpha। जो रिजल्ट्स याद नहीं कर रखे बेटा अभी तक, प्लीज अपनी रिजल्ट नोटबुक पे लिख लीजिए और याद करिए, रिवीजन का पर्पस यही होता है, जहां जहां हम स्किप कर चुके हैं उसको यूज करें। और अभी हमने फिर वही यूज करना है, फर्स्ट पार्ट में जो किया था 10 alpha is 1/2, इसको यूज किया 3 into 1/2 minus 1/2 cube, दैट मीन्स 1/8, दैट मीन्स 1 minus 3 into 1/2 square, दैट मीन्स 1/4। तो दिस इज 3/2 minus 1/8, एलसीएम लिया आपने 8, दिस विल बी 12 minus 1 13/8, एंड दिस विल बी 1 minus 3/4 1/4, दैट मीन्स 4/1, तो दिस विल बी 13/2, 13/2। यस, हमसे कोई मिस्टेक हुई है बेटे, लेट अस जस्ट चेक, यस 4 3 12 था यहाँ बेटे, 12 minus 1, यस। देखिए ऑप्शन से हमारी मिस्टेक हमें पता चल जाती है, ऑप्शंस में नहीं है तो ये नहीं कि छोड़ दीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, राइट, 11, और ये भी हो गया 11 11 बाय 2, दैट मीन्स 3 alpha is nothing but 10 inverse 11 by 2, अगेन डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है आंसर डी। सिंपल टू गेट, बट सिंपल बेटा तभी है जब ये फॉर्म याद, नहीं याद तो प्लीज लिख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। ओके, यस, ए डैश इज अनदर व्यूअर स्टैंडिंग ऑन द सेम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन अक्रॉस द रोड, दिख रहा है बेटा फिगर में, ए डैश इज वन मोर व्यूअर जो सेम लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन पर है,
इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 5 मीटर, ये रोड की वन साइड है, ये रोड की दूसरी साइड है और विड्थ ऑफ द रोड बोल रखी है 5 मीटर है, देन द डिफरेंस बिटवीन एंगल सी ए बी एंड एंगल सी ए डैश बी। यस बेटा, सी ए बी को तो हमने एज्यूम किया ही हुआ है अल्फा, इसको हमने एज्यूम किया हुआ अल्फा, लेट अस जस्ट एज्यूम बीटा। तो आपका इन दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस की बात गई है, मतलब एंगल कौन सा बड़ा होगा बेटे पहले ये बताइए, एंगल सी ए बी या एंगल सी ए डैश बी? सी ए बी क्लोजर से बड़ा होगा ना, तो अल्फा माइनस बीटा आपने एक तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा आपने कैलकुलेट करना है। और टेंजेंट में देखिए रिलेशन है सारे, तो अगेन हम टेंजेंट ही यूज कर सकते हैं इसका, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, अगेन 11th क्लास का फॉर्मूला, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। यस पता है ना ये हमें, और टेंजेंट अल्फा हमने अभी कैलकुलेट किया था बेटे 1/2, टेंजेंट बीटा भी देख लेते हैं, टेंजेंट बीटा क्या होगा, टेंजेंट बीटा के लिए हाइट यही है 10 और बेस है 20 + 5 = 25, दैट मीन्स 10/25, दैट मीन्स 2/5, ओके, तो इसको पुट कर दें, दिस विल बी 1/2 माइनस 2/5, दैट मीन्स 1 + 1/2 इंटू 2/5, दिस विल बी 1/10 एंड दिस विल बी 6/5, राइट, 1/10 इंटू 5/6, दैट मीन्स 1/12, ओके 1/12, इसमें ऑब्जर्व करें बेटा 1/12, यस 1/12 तो ऑप्शन ही नहीं है, लेट अस जस्ट चेक अवर कैलकुलेशन अगेन, 10 हमें एंगल सी ए बी माइनस एंगल सी ए डैश बी कहा है, हमें अल्फा माइनस बीटा ही है वो, 10 में रिलेशन है, 10 अल्फा माइनस बीटा हमने कंसीडर किया, फॉर्मूला करेक्ट लगाया हमने, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, 10 अल्फा वॉज 10/20 1/2, 10 बीटा वॉज 10/25, दैट मीन्स 2/5, ओके, सो 1/2 माइनस 2/5, दैट इज 5 - 4/10, यस 1/10, दिस इज 1 + 1/5, दैट मीन्स 6/5, यस ये करेक्ट है बेटा, कोई बात नहीं, ऑप्शन स्ट्रांग है, ऐसा अगर पेपर में भी होता है कई बार, बिल्कुल आप अटेम्प्ट करते हैं, आपको क्रेडिट दिया जाता है जितना जो आपने अटेम्प्ट किया होता है, ओके, तो ऑप्शन हमारी यहां पर बनती है, डिफरेंस ऑफ एंगल इज 10 इनवर्स 1/12, यहां नहीं दे रखी कोई बात नहीं, अगेन आई एम सेइंग ऐसे में आपको क्रेडिट जाता है बेटा, अगर ऑप्शन रॉन्ग दे रखी हो या क्वेश्चन रॉन्ग हो, आपको बिल्कुल आपने अटेम्प्ट किया हो तो आपको क्रेडिट जाता है, इसलिए आप अगर कहीं डाउटफुल भी है तो अटेम्प्ट करिए जितना आप कर सकते, ओके चलिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, यस अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन बेटे, डोमेन टेन इनवर्स एक्स की आर, ये दोनों हो सकते हैं, और रेंज, रेंज यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही मतलब है बेटे, यस दिस इंटरवल, डायरेक्ट आंसर, आंसर इज सी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी देखो आप एक तरीके से पिछला पार्ट छोड़ सकते थे, आप डाउटफुल है, हाँ नहीं आया, बिल्कुल काट दीजिए उसको, आप ये लिखिए आंसर, ये तो डायरेक्ट आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना, तो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की केस स्टडीज हमने डिस्कस की है, नेक्स्ट टाइम दूसरा कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके, केस स्टडीज 27 है सच, और हमने अभी 7 ही डिस्कस की है, तो नेक्स्ट टाइम दूसरे टॉपिक की मैट्रिसेस की केस स्टडीज, ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।